आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में हायर वर्जन से प्रीवियस वर्जन में कैसे जाया जा सकता है। मान लीजिए कि हम अभी अभी जो हमारा पुराना वर्जन था टैली का, हम उससे नए वर्जन में हमने अपडेट अपने टैली को किया है और हम ये पाते हैं कि नए वाले वर्जन में कुछ ऐसी नई फीचर्स आ गई है जो कि हमारे लिए सही नहीं है और हम चाहते हैं कि, और याद मान लीजिए कि हमें लगता है कि पुराना वाला वर्जन ही अच्छा था अभी के लिए, ऐसा केस हो सकता है। तो उस केस में हम चाहेंगे कि हम नए वाले से पुराने वाले वर्जन में ही जाएं, या कोई और भी कारण हो सकते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में बस ये सीख रहे हैं कि हम पुराने वाले वर्जन में कैसे जा सकते हैं अगर हम चाहें तो। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे टैली में ये कौन सा वर्जन है। तो इसके लिए हम जाएंगे अबाउट पे, अबाउट पे जाते हैं तो हमें ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। रिलीज हम देख सकते हैं, अभी हमारा लेटेस्ट है। इन केस हम अगर चाहते हैं कि हम पुराने वाले कोई वर्जन पे हम अगर जाना चाहें तो हम कैसे जा सकते हैं, तो ये देखते हैं। उसके लिए हमें टैली की वेबसाइट पे जाना होगा। ये मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए हैं अपने ब्राउज़र में और हम यहाँ पे टाइप करेंगे हम टैली। प्राइम डाउनलोड ऐसा करने से नहीं आएगा, ये टैली प्राइम प्रीवियस वर्जन हम यहाँ पे डालेंगे। ने टैली प्राइम प्रीवियस वर्जन डाल दिया है। अब हमें जाना है ये फर्स्ट लिंक पे, यहाँ पे जहाँ पे लिखा है टैली डाउनलोड टैली प्राइम सॉफ्टवेयर प्रीवियस वर्जन। कोई और लिंक में जाएंगे तो प्रीवियस वर्जन नहीं आएगा, तो हमें प्रीवियस वर्जन ही डालना है सर्च बॉक्स में, तभी ये वाला पेज खुलेगा। अब हम देख सकते हैं कि ये जो लेटेस्ट रिलीज 2.0.1 है हमारे में कौन सी है, 2.0.1 है। और हम मान लीजिए कि हमें ये वाला लेना है 1.1.4, तो उसके लिए हमें जाना होगा। यहाँ पे हमने कर लिया इसको सिलेक्ट, हमें यहाँ पे करना है इंस्टॉल को क्लिक करना है, तो इंस्टॉल को हम कर लेंगे क्लिक। अब हम कर देंगे सेव फाइल, तो हमारी ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये हमारा ये डाउनलोड हो जाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे डाउनलोड वाले फोल्डर में, या हम चाहें तो इसको सेटअप को रन दे यहाँ से भी कर सकते हैं। और ये डाउनलोड ये हो गया है और हम यहाँ पे इस सेटअप को रन कर देंगे। और रन कर देने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ ऐसा इंटरफेस आया है। अब हमारी टैली ऑलरेडी इंस्टॉल है जिस पे रिलीज 2.0.1 है, तो इस लोअर वर्जन को हमें इंस्टॉल करने के लिए हमें जाना पड़ेगा मोर एक्शंस में। और मोर एक्शंस में आने के बाद हमें जाना है, यहाँ पे जाना है अपडेट पे। इसमें लिखा है रिवर्ट द एप्लीकेशन टू टैली प्राइम 1.1.4, जो कि ये ओल्डर वर्जन है और हमारा अभी का वर्जन है 2.0.1, तो ये ओल्ड वर्जन ये आ रहा है, तो हमें यहाँ पे जाना पड़ेगा अपडेट पे। लोअर वर्जन वाली टैली इंस्टॉल हो रही है अभी, ये 1.1.4 रिलीज में ये आ गई है, ओल्डर वर्जन में आ गई है। वो हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट टैली प्राइम।
आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और भी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। टैली हमारा स्टार्ट हो चुका है और अब हम देखते हैं कि हमारा वर्जन क्या हो गया है। ये रेड डॉट आ रहा है यानी कि ये ओल्डर वर्जन है। अब हम हेल्प पे आएंगे, इसके बाद अबाउट पे जाएंगे तो हम देखेंगे हमारा वर्जन क्या हो गया है। तो हमारा वर्जन 1.1.4 हो गया जो कि एक पुराना वर्जन है और ब्रैकेट में लिखा भी आ रहा है अपग्रेड अवेलेबल। तो आज के वीडियो में इतना ही था। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।